फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करें कि कॉलेजों के एग्ज़ाम के बारे में एक नई ताज़ा खबर आई है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या नई ताज़ा खबर आई है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे हैं मंजीत अकेडमी चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त मंजीत यादव। चलो फ्रेंड, अब शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, ये देख लो, 30 सितंबर तक परीक्षाएं करा सकेंगे विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेगी। यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों को यह भी छूट दे दी है कि वह इन परीक्षाओं को स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। हालाँकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों से 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया था। इस बीच कोरोना की तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षा कराने से हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि यदि इसके बाद भी कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो उच्च कारण पाए जाने पर उसके बाद परीक्षा का मौका दिया जाए। संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी को सबसे ज़्यादा जोर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर है, जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लिए यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालयों से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी बोर्ड की बैठक में नई शैक्षणिक सत्र में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बाद में अलग से गाइडलाइन जारी करने को लेकर सहमति बनी है। बता दें कि यूजीसी की संबोधित गाइडलाइन आने से पहले देश में कई राज्यों विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा कराने की योजना को रद्द कर चुके हैं। तो फ्रेंड, ये देख लो, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में। तो फ्रेंड, यही खबर आप लोगों को बतानी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।